वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत सारे घरों का मसला है, बहुत सारे लोगों का मसला है। आप लोगों की इनपुट डेफिनेटली सेगमेंट में हम चाहते हैं कि जरूर दें, क्योंकि हमारा सोशल एक इशू होता है जिसको हम हाईलाइट करते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा और मैं टॉपिक आपको बता दूं कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे यही हम सोचते रहते हैं, वो जो मर्जी कहते रहे, लेकिन सफर आपने ही करना होता है। लेकिन इस पर हम डिस्कशन करेंगे और उसके हमारे साथ मौजूद होंगी उज्मा सदाकत हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, और उसके साथ साथ इरम तारिक हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। दोनों को वेलकम करेंगे। कैसी हैं आप दोनों? खैरियत से? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, जबरदस्त जनाब। अच्छा उज्मा, सबसे पहले तो आपसे आगाज करेंगे, लोग क्या कहेंगे इस टर्म को जरा हम लेकर चलेंगे। हर बंदे के अंदर अंदर कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस में ये बात है कि लोग क्या कहें। अच्छा, ये बड़ा एक कॉमन सा फिक्रा है जो आए दिन हमारे घरों के अंदर गूंजता है कि बच्चियां कॉलेज जा रही हैं, सुबह तैयार हो रही हैं, तो उनकी माएँ कहती हैं कि ज़रा थोड़ा ध्यान से चलो, ध्यान से कपड़े पहनो, ध्यान से थोड़ा अपने मुँह के ऊपर मेकअप कम लगाओ, लोग क्या कहेंगे। और कोई भी वेडिंग होती है तो वहाँ पे सब लोग ये कॉन्शियस हो रहे होते हैं वेडिंग को एंजॉय करने के बजाय कि ये कर लें वो कर लें, अगर ये ना किया तो लोग क्या कहेंगे, इस तरह के कपड़े ना बनाए तो लोग क्या कहेंगे। सो ये एक सोशल इशू है हमारे यहाँ कि हमें लोगों की बड़ी फिक्र रहती है और हमें अपने दिल के जज्बात अपने घर वालों की बजाय हम लोगों की ज़्यादा परवाह करने की तरफ जाते हैं। अच्छा, जहाँ पे हम बात करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो इसको नफ्सियात के अंदर सामाजिक बेचैनी कहा जाता है। यानी ये लोग जो कि बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं लोगों के बारे में, वो पब्लिक में लगेंगे कैसे, जब वो बात करेंगे तो बात कैसी लोगों को लगेगी, क्या लोग अप्रूव करेंगे या उन्हें डिसअप्रूव करेंगे, तो इसको हम सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं कि ये लोग सामाजिक बेचैनी का शिकार होते हैं। अच्छा, जब हम सामाजिक बेचैनी की बात करते हैं तो इसमें खवातीन ज़्यादा इसके अंदर मुब्तला होती हैं, और तकरीबन हर साल 7% लोग जो हैं वो सामाजिक बेचैनी का शिकार होते हैं, और ये फिर काफी सालों तक उनके अंदर ये चीजें जो हैं वो पनपती रहती हैं। ठीक हो गया। इरम, लोग क्या कहेंगे आपके नजदीक, ये हर घर में हम सब अभी यही बात करें तो क्या हर घर का ये मसला है, हर बंदे के अंदर ये चीज है, और स्पेशली जब खवातीन की बात कीजिए तो उसको ज्यादा स्ट्रिक्टली इम्पोज किया जाता है। अच्छा, ऐसा है कि लोग क्या कहेंगे ये एक कॉमन सेंटेंस है जो हर कान मेरे ख्याल है दिन में 24 घंटों में 24 बार तो सुनता ही। मेरा ख्याल है कि ये लोग क्या कहेंगे ये एक माशरती बिहेवियर है, एक सोशल बिहेवियर है हमारा कि लोग क्या कहेंगे। अर्मिला, मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कि लोग क्या कहेंगे समटाइम ये पॉजिटिव है और समटाइम्स ये नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव इस तरह से कि जैसे अभी मैम ने भी कहा कि ये कपड़े ना पहने, ये पहने तो लोग क्या कहेंगे, अगर ऐसे कर लिया तो लोग क्या कहेंगे। जैसे एक सेंटेंस घरों की अभी आपने बात की, घरों में मदर्स आमतौर पे बच्चों को ये कहती हैं जब वो काफ़ी लिटर फैला देते हैं या बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट होती है तो वो चीज़ें उठाते हुए, जैसे एज अ मदर मैं अभी ये कहती हूँ कि देखो ये क्या किया है, अगर कोई आ जाए तो वो क्या कहेगा। मैं समझती हूँ कि ये फिर पॉजिटिव है, एक इंसान को जब दिल में ये होगा ना कि ये काम अच्छे से हो जाए और कोई देखने वाला क्या। आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं क्वेश्चन रेज इस तरह करूँ कि आप कह रही हैं पॉजिटिव है, लेकिन क्या ये पॉजिटिव बात हम किसी और मैनर में भी तो कन्वे कर सकते हैं बच्चों को, ना कि हम उनके अंदर शुरू से ये चीज़ इम्पोज कर दें कि हाँ तुम्हारा हर जो एक्ट है वो लोग क्या कहेंगे के बुनियाद पर करेंगे। इसलिए कि लोगों ही से हमारा ताल्लुक है, मुआशरा लोगों ही से बनेगा ना, हम आइसोलेशन में तो जा नहीं सकते, हमारा इंटरेक्शन होगा। और सबसे पहले ये कि पहले इस लोगों की भी डेफिनेशन होनी चाहिए कि लोग कौन हैं। अब मदर हैं, फादर हैं, बहन भाई हैं, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या और करीबी जो रिश्तेदार, क्या वो भी लोगों में ही शामिल हैं। कि अगर बच्ची, जैसे मैम ने कहा कि एक फैमिली का अपना एक रिवायात है या जो सोसाइटी डिमांड करती है, वो बच्ची अगर उससे बियॉन्ड ज़रा ज़्यादा ही वो मेकअप करके जा रही है जो सूट नहीं कर रहा, कि स्टूडेंट को ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अगर उसकी खाला या दादी या फुफो या मदर भी उसको ये कह रही हैं कि बेटे स्कूल में लाइक स्टूडेंट ही जाना चाहिए, आप तो ऐसे जा रहे हो कि जैसे कोई फंक्शन में, तो फिर लोग कौन हैं। अगर हम ये कहें कि लोग क्या कहेंगे तो फिर पहले डेफिनेशन ये लोगों की डिफाइन करनी चाहिए कि लोग कौन हैं। फिर दूसरा ये कि जैसे अभी हम फिर चले जाएं ज़रा वास्ट स्केल पे, तो उसमें ये देखें कि पड़ोसी हैं, फ्रेंड्स हैं या आउटसाइडर्स हैं, एक फंक्शन है जैसे शादी का फंक्शन होता है, काफ़ी लोग होते हैं, वहाँ पे फिर लोग क्या कहेंगे, दुल्हन का ये ड्रेस होना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, बहन है दूल्हे या दुल्हन की, लोग क्या कहेंगे किसने क्या पहना, दैट इज़ रॉन्ग।
मॉडरेशन में चलना चाहिए। जब आप एक चीज मॉडरेशन से जो चीज निकलेगी वो नुकसान है। कॉलर ले लेते हैं, सना है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है उर्मिला जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ उर्मिला। मेरी मदर इन लॉ आपको सलाम कह रही हैं। अरे वालेकुम अस्सलाम, उनको भी ढेर सारा सलाम कीजिएगा और उन्हें दुआ कहिएगा कि दुआ करें। जरूर उर्मिला, आज का टॉपिक बड़ा अच्छा है ना? अच्छा है ना, इंटरेस्टिंग। क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं आपका टॉपिक जो है मैं अपने ऊपर अगर मैं डिस्कस करूँ ना तो मेरी अपनी भी आदत है कि अगर लड़की जॉब कर लेगी तो लोग क्या कहेंगे। सबका मसला है सना, सबका मसला है ये। उर्मिला अगर हम देखें तो लड़कियों पर ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि लड़कियां जॉब करेंगी तो लोग क्या कहेंगे। मेरा ख्याल हमें अपने से ज्यादा लोगों के ज्यादा फिक्र है, मेरा तो ये ख्याल है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके ख्याल में या होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने बच्चों पर, आपकी जो बैठी हुई है उस्मा जो बैठी हुई है, उनके बड़ा इत्तेफाक करूंगी मैं। हमें अपने लोगों से ज्यादा अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। हमें जो अपने बच्चों के लिए बेहतर लगता है वो करना चाहिए, ना कि लोगों का ध्यान कि लोग क्या कहेंगे। नहीं, बिल्कुल जबरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सना, थैंक यू। अच्छा जनाब, हमारी रेगुलर कॉलर्स हैं ये सना भी और मिसेस नवीद भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, रहो खुश रहो। बहुत शुक्रिया, कैसी हैं आप? ठीक है। पहले तो अपना नाम सबको बताओ, तुम्हारा नाम है क्या? मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है नाम गलत लेते हैं। अच्छा, नाम मेरा नाम है अर्मला, अर्मला। ठीक है, वो इतनी वो मिठास के साथ है, वो मुंह का बड़ा मजा जायका हो जाता है नाम जबरदस्त। मिस नवीद, आज के टॉपिक के हवाले से क्या कहेंगी? बेटी बात आज के टॉपिक के हवाले से बस मैं ये कहूंगी, एक तो लोग कहते हैं ना जी इसका बड़ा चक्कर है, ये करें ये नहीं होगा। मैंने आपको आगे भी प्रोग्राम में बताया था, मेरी बेटी की शादी की हाफिज़े कुरान मेरी बच्ची है, उसकी शादी की है, इसके ससुराल वालों ने एक चीज नहीं ली है। माशाल्लाह जबरदस्त, एक चीज। और इतनी माशाल्लाह अपने घर में खुश है वो, उसके घर बेटी हुई है, कोई किसी ने नाक मुंह नहीं चढ़ाया, उसने कहा वेलकम किया बच्ची को हॉस्पिटल में, लोगों ने क्या है कि आपके घर बेटी हुई, उसने कहा कोई बात नहीं, ये अल्लाह की रहमत आई है, हमारे प्यारे नबी हमारे पे मुस्कुरा रहे हैं तो बेटी दी है। अरे वाह जबरदस्त। लोगों को छोड़ दो, हमारे घर में खाना नहीं है, लोग पका के नहीं आपके घर में देंगे, है ना? मेरा भी तमाशा है, सारा कुछ आपने खुद ही सहना है। हाँ, लोग तमाशा देखेंगे। अपने आप को फ्री हैंड करो, बच्चों से प्यार करो, अपने घर का माहौल अच्छा करो, दुनिया को आरी को एक तरफ करते हैं और दुनिया को दो तरफ ना, वो अच्छे होंगे तब वो कहेंगे कि अच्छे क्यों है, बुरे होंगे तो अच्छे क्यों, हैप्पी क्यों है, ये दुखी क्यों है, ये दुनिया है छोड़ दो, ये एक एक जिंदगी है, हैप्पी रहो खुश रहो, अपने घर को एंजॉय करो। बहुत शुक्रिया मिसेस नवीद, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जनाब इरम, आप कुछ कह रही थी? जी मैं, मुझे ये टॉपिक जब मैंने सुना ना कि आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं तो फौरन मेरे जहन में ना एसओ फेबल्स आ गई। अच्छा। जो एक उसकी एक है बड़ी फोक टेल जिसको कहें, वो ये है, वो जो एक फादर और सन अपना एक गधा बेचने के लिए मार्केट में जा रहे होते हैं और उन्होंने बड़ा उसको कि ये अच्छा सा लगे फ्रेश हो उसके साथ साथ चल रहे हैं, लोग कुछ गुजरे पास से उन्होंने कहा देखो इन बेवकूफ़ों को कि इनके पास गधा है और ये पैदल चल रहे हैं। हाँ। तो उनको एहसास हुआ कि लोग ये कह रहे हैं, तो फादर ने क्या किया अपने बेटे को उस पर बिठा दिया गधे। हाँ। पे आगे जा रहे हैं तो किसी ने कहा कि लुक एट दिस सन, कि ये फादर बूढ़ा बेचारा चल रहा है और ये कितना इसको शर्म नहीं आ रही कि ये गधे पे बैठा है। वो फादर ने क्या किया, उसे उतारा, खुद बैठ गया लोगों को खुश करने के लिए कि भई उन्होंने ये बात। आगे गए तो किसी ने फिर एतराज़ कर दिया, उन्होंने कहा कि छोटा सा बच्चा ऐसे चल रहा है और फादर को देखो शर्म नहीं आ रही कि खुद गधे पे बैठा। फादर ने क्या किया, बच्चे को उठाया अपने साथ बिठा लिया गधे पे। आगे गए तो कुछ लोग और मिले और उन्होंने कहा कि इन जालिमों की तरफ देखो कि एक गधे पे इतना वजन डाला हुआ है इन्होंने। अभी वो मार्केट तक जा रहे थे, उन्होंने समझ नहीं आई, उन्होंने क्या किया गधे को बांधा दोनों टांगे एक तरफ और एक और उसको उठा लिया। जिस वक्त वो मार्केट में एंटर हुए तो एक लाफ्टर था और लोग कहते हैं ये देखो इतने बेवकूफ मर्चेंट्स तो हमने कभी देखे नहीं कि ये गधे को उठा के ला रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो वो उनका मजाक भी उड़ा, मतलब ये किसी भी हाल में लोगों को, यानी आप इतना फिट इन करते जाएं अपने आप को, इसकी कोई लिमिट नहीं है, सो डोंट ट्राई टू डू दैट। अच्छा उसमें मेरा एक सवाल कि हम बच्चे के इनिशियल स्टेज से लेकर उसके एंड तक शादी तक ये सारे मसाइल रहते हैं
और हमारा चूंकि हमारा कल्चरल हमारी कुछ वैल्यूज भी ऐसे हैं जिसपे हम बहुत ज्यादा सख्ती से इम्प्लीमेंट करते हैं, ना कि हम उस चीज को देखें कि ये हमारे हक में या हमारे बच्चे के हक में बेहतर है या नहीं है। तो शुरू से लेकर एंड तक एक ही चीज आप एक बच्चे के आप दिमाग में डालेंगे। अच्छा, एक चीज इम्पोर्टेंट है कि बच्चों की जो इमोशनल ग्रोथ है वो 5 साल की एज तक कम्प्लीट हो जाती है। इमोशनल ग्रोथ से मुराद है कि बच्चों के अपने बारे में बिलीव्स बन जाते हैं कि मैं अच्छा इंसान हूँ या मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, या मैं पसंदीदा हूँ या मैं नापसंदीदा हूँ। दुनिया के बारे में उनके बिलीव्स बन जाते हैं कि दुनिया में लोग अच्छे हैं, दुनिया अच्छी जगह है या अच्छी जगह नहीं है। दूसरे लोगों के बारे में बिलीव्स बन जाते हैं कि दूसरे लोग हेल्पफुल हैं या दूसरे लोग अच्छे हैं या दूसरे लोग बुरे हैं। ये जो 5 साल की एज के अंदर बच्चों को जब हम अच्छी बातचीत उनसे करते हैं, अच्छे लफ्ज़ उनको देते हैं, उनके बारे में अच्छे रिमार्क्स पास करते हैं, तो उनकी सेल्फ एस्टीम काफी स्ट्रांग होती है। जो भी बच्चे अच्छी सेल्फ एस्टीम रखते हैं उनके अंदर काफी रेजिस्टेंट वो कर सकते हैं किसी भी बंदे की बैड ओपिनियन को, वो उन्हें ज्यादा मैटर नहीं करती। लेकिन हमेशा जिन बच्चों को शुरू में घर में भी बातें सुनने को मिलती हैं, उन्हें टॉन्ट्स बहुत किया जाता है, नेगेटिव रिमार्क्स पेरेंट्स बहुत पास करते हैं, मारपिटाई का उन्हें सामना करना पड़ता है, सो ये वो बच्चे हैं जो कि फिर बड़ी एज में जब पहुंचते हैं तो उनकी सेल्फ एस्टीम शुरू से ही पुअर होती है। सो किसी की भी ओपिनियन उनके लिए काफी बड़ा मैटर करती है और उन्हें काफी मुश्किलात पेश आती हैं जब भी उन्हें किसी की तरफ से नेगेटिव रिमार्क्स का सामना करना पड़े। एक चीज जो हम सभी लोगों को तस्लीम करनी चाहिए कि हम लोग जो हैं, हम जितने भी अच्छे हैं, हम सभी के लिए पसंदीदा नहीं हो सकते। कुछ लोग हमें पसंद करेंगे जिंदगी में और कुछ लोग हमें अपनी किसी वजह की वजह से नापसंद करेंगे, उसमें हमारा कोई ज्यादा रोल जो है वो नहीं होगा। क्योंकि लोगों के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, सही लोगों के, गलत लोगों के, और लोग हमें अपने मयारात पे परखते हैं। बिल्कुल, हमारे लिए कोई खास स्टैंडर्ड मुतय्यन नहीं है। फर्ज करें मेरे स्टैंडर्ड्स हैं, आपके स्टैंडर्ड्स हैं, इनके स्टैंडर्ड्स हैं, और हम जब भी किसी शख्स को देखेंगे तो हम रेंज बना लेंगे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये तमीजदार है, ये बदतमीज है। हम अपने स्टैंडर्ड्स पे ही लोगों को जज करते हैं। सो हम दूसरों के स्टैंडर्ड्स पे फिट इन होने की जितनी भी एफर्ट्स करेंगे वो कम पड़ जाएगी। तो हमें सोचना ये चाहिए कि अपने लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं, अपने लिए कोई अदब तहजीब के दायरे बनाएं, उसमें रह के आप जो बेस्ट कर सकें वो करें, ज्यादा अपने आप को तकलीफ में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। हमारे साथ कॉलर हैं जी, परवीन मसूद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हां जी, लाल परी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। बस आज आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। अच्छा, और वैसे तो आपका रोल टॉपिक बहुत अच्छा होता है, जबरदस्त। तो आज क्या कहेंगी इस टॉपिक के हवाले से? हाँ, मैं ये कहूँगी कि मैं एक बेवा औरत हूँ और 31 साल की उम्र में मैं बेवा हो गई थी। ठीक है, मेरी 4 बेटियाँ और 1 बेटा है। मेरी बिरादरी ने कभी नहीं मुझसे पूछा कि भाई तुम किस हाल में रह रही हो, तुम बच्चों को पाल रही हो, पढ़ा रही हो, क्या कर रही हो। कभी शादी वगैरह फंक्शन पे चले जाते ना, बच्चे अगर अच्छे कपड़े पहनते तो वो कहते इनकी बेटियां तो उड़ रही हैं आसमानों पे, इनके तो फैशन इतने हैं, टीवी ले लिया है तो उन्होंने कहा इन्होंने टीवी ले लिया है, केबल लगवा लिया तो केबल लगवा लिया है, फोन ले लिया है तो फोन ले लिया। इतने इतराजात थे इंतहा से ज्यादा कि मर जाए बंदा। अगर खामिन मर गया तो हम जिए ना, हमने दुनिया में बच्चों के लिए नहीं जीना, हमारे बच्चों को कौन है। तो दुनिया की बातों पे जाना ही नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बेवकूफी है जो दुनिया की बातों पे जाए। अपना करो जो अपना दिल चाहे, जो अपने आपको जब अच्छा खुशियां हैं तो फिर आपके साथ सब है, जब आप मुश्किल में है तो आपके साथ कोई। हाँ, किसी ने नहीं पूछा। उर्मिला, मेरी 4 बेटियां थी, मैंने जब रिश्ते किए ना मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे इनके अब्बू बहुत याद आए, बहुत याद आए। मैं फैसला नहीं कर पाया। आपकी बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे और आपको और हिम्मत दे। गुजर गया बहुत शुक्रिया, गुजर गया। मेरी बेटियां बहुत खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है, करोड़ों शुक्र है, करोड़ों पति है, माशाल्लाह। नसीब और भी अच्छे करे और आपको हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया परवीन मसूद साहिबा आपकी कॉल का। हमारे नेक्स्ट कॉलर है आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ आयशा, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, टॉपिक है दिल कितना बहुत अच्छा और आपकी ड्रेसिंग बहुत जबरदस्त है। अरे थैंक यू वेरी मच आयशा, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगी टॉपिक के हवाले से? टॉपिक के हवाले से मैं ये बात कहूँगी, असल में लोगों में मुनाफ्त भी ज्यादा है। अगर अभी मैं ये बात कह रही हूँ ना कि हम, यानी कि मुझे दूसरे की बात पे दखल नहीं देना चाहिए, तो थोड़ी देर बाद ही मैं किसी न किसी पे ये बात जरूर कर रही हूँ। ये इशू भी दुनिया में, हमारी सोसाइटी में आम है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग आयशा, बहुत शुक्रिया। जनाब हमारे स्कॉलर्स थी और
इरम, हमारी जो प्रवीण मसूद साहिबा थी उनकी बात तो बड़ी एक जेन्युइन थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। और उनका ये है कि लोगों ने, आपने ऐसे क्यों किया या ऐसे किया, लोगों की एग्जाम्पल ऐसे है कि वो हम बचपन से सुनते हैं, अभी भी बच्चों को जब हम स्टोरी सुनाते हैं तो हम ये बताते हैं कि जो फॉक्स है ये बहुत ही चालाक किस्म का, शातिर किस्म का ये एनिमल है, लोमड़ी बहुत चालाक होती है, चालाक लोमड़ी ही स्टोरी होती है। तो एक स्टोरी थी कि एक लोमड़ कहीं पे किसी ट्रैप में फंस गई, तो उसकी दुम कट गई निकलने की कोशिश में। तो अब लोमड़ की दुम ही उसकी खूबसूरती होती है और उसी के लिए उसको हंट भी किया जाता है, ये तो हमें पता है। अब उसको शर्म आती थी कि मैं अब उनके बगैर भी अपनी सोसाइटी के बगैर कैसे रहती, वो बाकी लोमड़ के बगैर। वो जब वहाँ गई वो कहती है अब पता नहीं क्या करूँ मैं, अब दुम तो है नहीं है, शर्म आ रही है मुझे। तो उसने ना एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और बार बार वो बुलाती थी। अभी अभी मैम ने बात की ना कि हम एक चीज़ बार 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 कहते रहते हैं तो बच्चों की हैबिट बन जाती है, हैबिट अच्छी बनेगी तो वो ज़िंदगी उनकी बेहतर होगी, बुरी बन जाएगी तो नुकसान होगा। तो वो उन्हें कहने लगी कि देखो इस टेल का, दुम का क्या फ़ायदा है कि इसकी खातिर हमें हंट कर लेता है हंटर आके, हमारी लाइफ थ्रेट्स हैं हमें इसकी वजह से, तो ये सबको कटवा देनी चाहिए, मैंने इसलिए कटवाई है। तो वो कन्विंस करती थी। लोगों का ये हाल है, आप जैसे मैम ने कहा, अभी कॉलर्स ने भी यही बात की कि खुद को देखें, लोगों को ना देखें, आपकी क्या लिमिटेशंस हैं, आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, फैमिली क्या चाहती है, फैमिली बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद आपका कल्चर क्या चाहता है, फिर आपके रिलीजन क्या चाहता है, तो इस चीज़ को देखें। आप दूसरों को देख के वो दुम कटी लोमड़ी वाला जो है हिसाब ना, आप अपने सबसे बेहतरीन जज होते हैं, आप जिन भी हालात में हैं आप सबसे ज्यादा एहसास कर सकते हैं कि जो तकलीफ है उसमें से निकलने के तरीकाकार क्या हैं, और जो भी तरीकाकार हैं वो आपको जरूर अडॉप्ट करने चाहिए और अपने आप को बेहतर से बेहतर पोजीशन में हमेशा लेकर आना चाहिए। सो दुनिया जो जजमेंट आपके लिए पास करती है वो सिर्फ आपका बैरूनी हुलिया देख के करती है, वो करेक्ट जजमेंट नहीं है। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं सोशल मिरर। सोशल मिरर से मुराद है कि आप देखते हैं कि लोग जैसा चाहें वैसा आप बन बन के दिखाएं। तो सोशल मिरर की बजाय अपना एक मिरर एवेल्युएशन का वो रखें, जो जिस चीज में आप कंफर्टेबल हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, जो जॉब आप करना चाहते हैं, गो फॉर इट। अपने आप को कभी भी बैक बेंच के ऊपर ना रखें, हमेशा जो चीजें आप ट्राई जिंदगी में करना चाहते हैं जरूर करें, लेकिन आप देख लें कि आपके घर वालों की ओपिनियन भी आपके साथ हो, और बाज़ुकात आप उसे विन कर सकते हैं, आप उनसे निगोशिएट करें जो उनके फियर्स हैं, आप अपने बताएं अपनी कंसर्न, क्योंकि पेरेंट्स जो बच्चों को रोकते हैं तो वो इस वजह से नहीं रोकते कि वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे फल फूल के किसी बड़ी पोजिशन तक पहुंचे, उन्हें डर लगता है, उन्हें डर लगता है कि शायद उनकी बेटी या बेटा जो है वो क्या इतने काबिल हैं कि वो दुनिया को झेल लेंगे, क्योंकि पेरेंट्स के बच्चे जितने भी बड़े हो जाए उन्हें वो नन्हे मुन्ने से बच्चे ही लगते हैं। सो आप उनके अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत करें और उनके जो फियर्स हैं उन्हें क्वेश्चन करें और उन्हें बताएं कि आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं, आप जिस तरह के जॉब में जाना चाहते हैं आप कंफर्टेबल उसमें फील करते हैं, और उसमें जो मुश्किलात आएंगी आपको उसका अंदाजा है और आप उसे अच्छे तरीके से निभा लेंगे। जब आपके पेरेंट्स इस चीज को बिलीव करते हैं कि हाँ आप इस काबिल हो गए हैं कि आप दुनिया की चीजों को मैनेज कर सकते हैं, तो आपके साथ वो भी अपना ओपिनियन। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आप कन्विंस करें, कम्युनिकेट करें, पर एट द एंड ना हमारे पेरेंट्स के अंदर भी ये चीजें डॉक्टर है कि लोग क्या कहेंगे, और बात घूम फिर के वहीं आती है। मुझे लगता है अक्सर बातों के लिए मैं अपने वालिद साहब को बहुत कन्विंस करती हूँ, बहुत ज्यादा, और वो मान जाते हैं, वो इंटरनली उनको पता होता है, लेकिन एट द एंड उनके कंसर्न्स क्या होते हैं कि अच्छा ये क्या होगा, अब लोग क्या बात करेंगे, फलाना क्या बात करेगा, तो ये कहीं ना कहीं घूम फिर कर बात, ये एक्चुअली हिस्टोरिकल है। ये हिस्टोरिकल है, पहले इंसान छोटे छोटे कुंभों की शक्ल में रहते थे, अब इंसान बड़े बड़े शहरों में बसते हैं। थैंक यू वेरी मच इरम, बहुत शुक्रिया उज़मा आप दोनों का। जनाब आज का टॉपिक था हमारा लोग क्या कहेंगे, आप लोग क्या कहेंगे, इसके लिए हमने अपनी बहुत सारी जो ख्वाहिशात हैं, अपनी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो हम कुर्बान भी कर देते हैं, ज़ाया भी कर देते हैं, और जो आपका इनर है या आपका इंटरनल है वो भी सेटिस्फेक्शन हासिल नहीं कर पाते। तो लिहाजा बेहतर यही है, आज की डिस्कशन का यही निचोड़ है कि आप वो करें जो आपको लगता है कि आपके लिए बेहतर है। हाँ, फैमिली फ्रेंड्स और ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन आपका अपना ज़ात जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, डायबिटिक पेशेंट्स के हवाले से भी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, आप देखते रहिए जागो लाहौर।